हेलो एवरीवन वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2016 का फिजिक्स का पार्ट वन पेपर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों को सॉरी जो पिछले आठ दस दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजन लेकिन अब अल्टरनेट डेज आई विल अपलोड जीके वीडियोस और मेरा ये टारगेट रहेगा कि दो का पेपर एम का जो कैंसल पेपर था वो और सी का लास्ट मंथ जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था दो का पेपर इस तीनों को पंद्रह सेप्टेम्बर से पहले खत्म करने का तो इन नेक्स्ट ट्वेंटी डेज आई विल फिनिश ऑल थ्री पेपर स्टार्टिंग के फर्स्ट हंड्रेड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे आप जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज स्केलर क्वांटिटी तो इसका आंसर हो जाएगा यंग्स मॉडल यंग्स मॉडल्स एक अधीश राशि है जबकि वेट इंपल्स और एक्सलेशन ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि वेट इम्पल्स और एक्सलेशन सदिश राशि है और यंग्स मॉडलर्स अधिस राशि है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसका आंसर हो जाएगा सीमेंस विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस है जबकि लक्ष्य जो है वो एस आई यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनेशन का ओम जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का और फेराइड जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एस आई यूनिट है विच एमोंग द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट डिसप्लेसमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव ये गलत है डिसप्लेसमेंट का जो सही है डिसप्लेसमेंट का वो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिसप्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है साथ में डिसप्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर देन डिस्टेंस नहीं हो सकता और डिसप्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर भी होता है डिसप्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी भी है क्वेश्चन नंबर फोर विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन Siemens? कौन सी भौतिक मात्रा सीमेंस में मापा जाता है तो यह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को सीमेंस में मापा जाता है सीमेंस इज द ड्राइव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल ससेप्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल एडमिटेंस साथ में वन सीमेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ वन ओम के इक्वल होता है और इसे मोह भी बोलते हैं मतलब वन सीमेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वन ओम और इट इज इक्वल टू मोह क्वेश्चन नंबर फाइव रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स संवेद के परिवर्तन की दर को फोर्स भी कहते हैं ये एक डिफिनेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ का क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ ए फोर्स एक्ट्स अपॉन टू ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड हैविंग डिफरेंट मासिस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर बोध द ऑब्जेक्ट इसका ये कहना है कि दो अलग अलग वस्तु का जो वेट है जो द्रव्यमान है वो एम वन और एम टू है और इसकी जो टाइम है जो कलावधि है वो टाइम क्या है टी है जो इक्वल है दोनों ऑब्जेक्ट का इसके अलावा इस पर जो फोर्स लग रही है फोर्स वो भी एफ है जो दोनों पे इक्वल लग रही है यानी कि फोर्स और जो टाइम है दोनों क्या है ये दोनों इक्वल है ये पूछ रहा है कि इस चारों में से कौन सा समान हो सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम मोमेंटम क्यों होगा मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है उसमें फोर्स इंटू टाइम होता है तो फोर्स भी इक्वल है हमारा टाइम भी इक्वल है तो हमारा मोमेंटम इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड तो इसका आंसर हो जाएगा लूसी मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र लूसी मीटर है जो हमारा दूसरा ऑप्शन है क्रायोमीटर क्रायोमीटर जो है इट इज़ जस्ट अ थर्मामीटर जो यूज़ किया जाता है वेरी लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का जो तीसरा है साइनोमीटर साइनोमीटर का यूज़ करते हैं कलर इंटेंसिटी ऑफ ब्लू स्काई को मेजर करने के लिए और चौथा जो है बैरोमीटर है इसका यूज़ करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्वेश्चन नंबर एट हु डिस्कवर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की क्वेश्चन नंबर नाइन विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र द डेप्थ ऑफ ओशियन तो इसका आंसर अच्छा हो जाएगा फैदोमीटर फैदोमीटर से महासागर की गहराई को मापा जाता है और ये साउंड वेव का यूज करके फैदोमीटर से महासागर की गहराई को मापा जाता है क्वेश्चन नंबर टेन डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन तो इसका आंसर अच्छा हो जाएगा गीगर काउंटर विकरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा और गामा की पहचान और माफ़ के लिए गियर काउंटर का प्रयोग किया जाता है गियर काउंटर का प्रयोग बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशन जितने भी होते हैं उसको मेजर करने के लिए किया जाता है हमारा दूसरा ऑप्शन है पोलारी मीटर पोलारी मीटर का यूज़ किया जाता है जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू जब पोलराइज्ड लाइट को पास करवाया जाता है तो उसमें जो एंगल ऑफ रोटेशन बनता है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग पोलारी मीटर का यूज़ करते हैं तीसरा ऑप्शन है कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर का यूज़ तब करते हैं जब किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होता है और यदि किसी भी दूसरे प्रोसेस से जो अमाउंट ऑफ हीट निकलता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरी मीटर का यूज़ करते हैं चौथा ऑप्शन है रेडियो मीटर रेडियो मीटर का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी रेडिएशन का इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए रेडियो मीटर का यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर एलेवन इफ ए बॉल इज़ थ्रोन अप विच आर द फॉलोइंग डज नॉट चेंज जब किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो तो स्टार्टिंग में भी होता है और एक सर्टेन हाइट पे जाने पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है और जो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है ये हाइट एच कवर कर रहा है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एम जी तो एच क्या है एच भी बढ़ते जा रहा है और डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है इसका मतलब है कि एक्सलेशन ही एक ऐसा है जो जो चेंज नहीं होता है तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा और इसका जो वैल्यू होता है जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ ए बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी इफ इट कम्प्लीट्स वन साइकिल इन वन सेकेंड तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो यदि कोई वस्तु एक वित्तीय पथ पर आगे बढ़ रहा है तो इसका औसत गति क्या होगी यदि यह एक सेकेंड में एक चक्र को पूरा करती है तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो जीरो क्यों होगा एक सर्कल है उसमें किसी एवरेज वेलोसिटी की बात करी एवरेज स्पीड की बात नहीं हो रही है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम तो अगर कोई बॉडी यहाँ से मूव की और इसके बाद फिर से दोबारा यहीं पर आ गई तो इसका मतलब है इसके जो डिसप्लेसमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ ये डिसप्लेसमेंट क्या हो गया ये जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा जीरो अपॉन टाइम तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो तो हमारा आंसर हो जाएगा जीरो क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो मीटर पर सेकेंड यदि कोई वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है तो इसकी अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचने पर इसका वेग क्या हो जाएगा जीरो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो ये क्यों हो जाएगा क्योंकि जब किसी बॉल को ऊपर की तरफ़ फेंका जाता है तो उसमें एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है जो होता है एम जिसको हम लोग डाउनवर्ड एक्सलेशन या डाउनवर्ड फोर्स भी बोलते हैं और इसमें जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में भी होता है ये एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसका वेलोसिटी क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ आएगा फिर इसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा तो इस लास्ट जो हमारा मैक्सिमम हाइट होगा उस पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा जीरो मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेज विच आर रिलीज्ड आफ्टर बींग हेल्ड नियर ईच अदर इसका आंसर हो जाएगा फोर्स विल डिक्रीज दो धनात्मक आवेशों के बीच क्या बल होगा जो एक दूसरे के पास होने के बाद मुक्त किए जाते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द होर्जेंटल रेंज अचीव इज सेम वेदर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा एंड नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई छहतीस सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है साइन टू थीटा मतलब साइन टू नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा ओके तो ये कितना हो जाएगा साइन वन डिग्री माइनस टू थीटा और साइन वन डिग्री माइनस टू थीटा कितना होता है साइन टू थीटा तो इसका ये मतलब है कि 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा इस दोनों का जो वैल्यू होगा आर का वो हमेशा सेम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस तो इसका आंसर हो जाएगा ओम्स विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम्स है डाइन फोर्स का है पास्कल प्रेशर का है और जूल वर्क का है ओम्स का ऐसा SI यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर और ओम इसका डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर एटीन इफ ए बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस द फोर्स रेसिस्टिंग द मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रिक्शन यदि कोई शरीर सतह पर स्लाइड करता है तो उनके बीच गति का विरोध करने वाला बल फ्रिक्शन कहलाता है फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स रेजिस्टिंग द रेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सर्फेसिस फ्लूइड लेयर्स एंड डिफरेंट मटेरियल एनिमल स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन स्ट्रीम लाइन फ्लो डैश एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूड रिमेन्स सेम तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में वेलोसिटी हर बिंदु पर एक समान रहता है ऐसा क्यों होता है एक फॉर्मूला होता है ए वी इजकल टू कॉन्स्टेंट इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं और सपोज ये पाइप है जिसका जो कांस्टेंट है एरिया जिसका एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगा इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे नेक्स्ट है जबकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये तीनों वैक्टर क्वान्टिटी टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट टर्मिनल वे एक होता है क्यों होता है क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो इस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है एफ जी और इसके अपोजिट इस फोर्स को अपोज करने के लिए एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं एफ डी प्लस इस पर एक बॉन्सी लगता है जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो नेट फोर्स जो हमारा इस बॉडी पे होगा वो क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा जीरो होने के कारण इस पर जो वेलोसिटी होगा इस ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ओके okay. नेक्स्ट है हमारा द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड हुक्स लॉ किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव पर उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है इसे हुक्स लॉ कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच एमोंग द फॉलोइंग इज अ वैक्टर क्वान्टिटी निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है तो इसका आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एक सदिश राशि है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी तो इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ नो यूनिट रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है क्यों क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है जो डिफिनीसन होता है वो क्या होता है रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस टू द डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड यूजअली वाटर मीन्स रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो एक टाइप का रेशियो होता है जिसका ऊपर का जो न्यूमिनेटर होता है वो भी डेंसिटी होता है नीचे भी एक डेंसिटी होता है किसी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का इसका मतलब क्या हो गया दोनों यूनिट सेम हुआ ये कट जाएगा ये कट जाएगा तो इस इट हैज़ नो यूनिट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डैश ओनली एंड नो डैश आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज का डिफिनेशन होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो तो उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो जिसमें कोई दिशा नहीं हो और उसमें परिमाण हो तो उसे अधिस राशि कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन तो यह है वैक्यूम लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करती है इसके बाद वाटर में ट्रेवल करती है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स पर सेकेंड और ग्लास में ट्रेवल करती है टू हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन व्हाट इज इंपल्स इक्वल टू तो इसका आंसर अच्छा हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम आवेग चेंज इन मोमेंटम के तुल्य होता है इसका फॉर्मूला होता है एफ इन टू डेल्टी और इसका ऐसा SI यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एक्सलरेशन इज ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है एफ टू एम ए तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम तो ए क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो गया नेक्स्ट है हमारा इफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन वेसल मेल्स तो वाटर लेवल इन वेसल डज नॉट चेंज यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर चेंज नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि आइस जो वाटर डिस्प्लेस करती है वो उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करती है जितना इसका वेट होता है जिसके कारण जब यह मेल्ट होती है तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर उसके मास के इक्वल हो जाता है और इसके कारण पानी का स्तर नहीं बढ़ता है क्वेश्चन नंबर थर्टी व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूड तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो आइडियल फ्लूड का विस्कोसिटी नहीं होता है जीरो होता है जबकि रियल फ्लूड का विस्कोसिटी क्या होता है ग्रेटर देन जीरो होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन दसाई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर स्क्वायर मीटर ध्वनि की तीव्रता का ऐसा इकाई वाट पर स्क्वायर मीटर होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वाइट एज ए फाउंटेन पेन लीक इन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लो एटमोसफेरिक प्रेशर आउटसाइड द पेन एक्चुअली क्या होता है जिस तरह से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है वो कम जाता है तो फ्लाइट में क्या होगा फ़्लाइट में क्या होगा कि जो प्रेशर होगा वो प्रेशर पी जो होगा वो कम होगा लेकिन जो हमारा पेन है उस पेन में जो हमारा प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा जिसके कारण इस प्रेशर डिफरेंस के कारण हमारा क्या होता है इंक जो होता है वो निकलने लगता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वाट आर द टू काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन इसका आंसर हो जाएगा स्पिन एंड और वाइटल मोशन घूर्णन गति के दो प्रकार कौन कौन से हैं यह है स्पिन और कक्षीय गति तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर डैश इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यह हो जाएगा मोमेंट आर्म आघूर्ण भुजा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट ए डिस्टेंस ऑफ टू आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ वेर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ इज इसका आंसर हो जाएगा जी बाई नाइन पृथ्वी की सतह से टू आर की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान जी बाई नाइन हो जाता है ये जो फार्मूला है जी एच मतलब किसी हाइट पे ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा आर बाय आर प्लस एच एच का वैल्यू यहाँ पे हो गया टू आर अगर ये यहाँ पे रखते हैं तो हमारा जी का वैल्यू हो जाएगा जी वाई नाइन मतलब वन वाई नाइन्थ ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ अगर ये टू आर की डिस्टेंस पे है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वान्टिटी इज नॉट पासकल तो यह है मोमेंट ऑफ इनर्सिया प्रेशर स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडलस इसका जो यूनिट होता है ये पासकल होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन वेट ऑफ ए पर्सन एट ए हाइट ऑफ टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वेर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ तो इसका आंसर हो जाएगा वन फोर्थ पृथ्वी के कैद से टू आर की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन वन फोर्थ हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हाउ कैन वी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर हम दूध के विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं विस्कोमीटर का यूज़ किया जाता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड को मेजर करने के लिए ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हील्ड वहीकिल उसको मेजरमेंट करने के लिए ओडोमीटर का यूज़ करते हैं और हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है वाटर वेपर जो होता है एटमोसफेयर में उसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हु एस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक किसने क्वांटम थ्योरी के नींव की स्थापना की तो मैक्स प्लानक ने क्वांटम थ्योरी के नींव की स्थापना की क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन मोशन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन पासिस थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द मोशन कॉल्ड स्पिन मोशन यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को स्पिन मोशन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज कॉल्ड तो यह है हाइटोमीटर हाइटोमीटर से वर्षा को मापा जाता है लूसी मीटर से लाइट इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है ग्लैकोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेजर किया जाता है यानी कि जो फैट कंटेंट होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग ग्लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं और इसे हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं और हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए फ्री फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रीचेज द ग्राउंड इन वन सेकेंड वॉट इज इट्स वेलोसिटी ऑन द इम्पैक्ट विद द ग्राउंड तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड यदि कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह एक सेकेंड में जमीन तक पहुंचती है तो जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा व्ही इज इक्वल टू जीरो प्लस नाइन पॉइंट एट इंटू वन तो आंसर हो जाएगा नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इन अ मोशन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट देन द मोशन इज कॉल्ड अबाइटल मोशन यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को कक्षीय गति कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर एन ऑब्जेक्ट इज एन स्टेटिक इक्वेरियम वेन इट इज एट रेस्ट एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन होती में होती है जब वह रेस्ट में होती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव डैश थ्रू अ प्लेन सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल टू द सर्फेस एंड द एरिया ऑफ द सर्फेस तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय प्रवाह एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुनज है और एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेवर और इसका ड्राइव यूनिट होता है वोल्ट सेकेंड सी यूनिट होता है मैक्सवेल और मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करते हैं फ्लक्स मीटर से क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो इसका आंसर अच्छा हो जाएगा लॉन्ग सेक निम्न में से कौन सी दूरी की एक इकाई एक नहीं है तो यह है लॉन्ग सेक जो दूरी की इकाई नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देंट वेट ऑफ ए पर्सन इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग डाउन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन इज तो इसका आंसर अच्छा हो जाएगा लेस देन द वेट वेन द पर्सन इज स्टेशनरी एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन उस व्यक्ति से कम होगा जब वो स्थिर रहता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट वट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन इसका आंसर हो जाएगा नाइन्टी डिग्री अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा तरन के बीच कौन सा कौन होता है ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सलेशन है तो इस दोनों के बीच नाइन्टी डिग्री का कौन होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन रेक्टीफायर्स कन्वर्ट ए सी टू डी सी रेक्टिफायर ए सी टू डी सी में परिवर्तित करता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वे नेट टॉर्क जीरो डैश विल बी कॉन्स्टेंट तो इसका आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम जब नेट टॉर्क शून्य है तब कोनीय गति स्थिर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ एनर्सिया न्यूटन का पहला नियम जरत्व का नियम के रूप में भी जाना जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ए वी इजकल टू कॉन्स्टेंट वे ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इज्कवल टू स्थिरांक जहाँ ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और बी द्रव का वेग है तो इस समीकरण को निरंतरता का समीकरण कहते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री अ बॉडी इन इक्लुवेरियम कैन मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी संतुलन में एक शरीर स्थिर वेग के साथ चल सकती है तो ये कैसे हो सकता है F इक्विलिब्रियम में है मतलब जीरो है और ये एम ए हो गया एम वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स कि वी इज इक्वल टू यू मतलब ये हो गया कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच एमोंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वर्क तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी वर्क एक वैक्टर क्वान्टिटी नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव वट इज़ इनरसिया इनर्सिया क्या है टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन द करेंट स्टेट को इनर्सिया बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर तो ये क्या हो गया एम वन एम टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम तो ये है वैक्यूम साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट डैश इज सेम ऑन एवरी पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग बॉडी तो यह एंगुलर वेलोसिटी जो है इक्वल होता है हर एक बिंदु पर किसी भी घूमने वाली वस्तु पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्राजेक्टरी प्रक्षेप के पथ को उसका प्रक्षेप पथ कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी डैश स्टेट्स दैट द टोटल करेंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करेंट लिविंग द जक्शन तो ये हो जाएगा किर्चॉप्स फर्स्ट लॉ क्रचॉप्स फर्स्ट लॉ बताता है कि एक जक्शन में प्रवेश करने वाले कुल धारा एक जक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होता है जिसको हम लोग किचॉप्स लॉ बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लान डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लानिट किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ तुरंत कम हो जाता है क्वेश्चन नंबर टू द रेसिडुअल एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक ग्रुप्स दैट डू नॉट एराइज फ्रॉम ए कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड वेंड्रावास बॉन्ड अणुओं या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन से उत्पन्न नहीं होते हैं उन्हें वेंडर वाल्स बॉन्ड कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड तो यह क्रोनोमीटर समय को मापने के यंत्र को क्रोनोमीटर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज एंड इट्स मास रिमेंस द सेम देन द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इंक्रीज यदि पृथ्वी की तिरजा घट जाती है और उसके दरमान समान रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान बढ़ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव ए प्रोजेक्टाइल मोशन अ लार्ज एंगल विद द हॉर्जेंटर प्रोड्यूसेस हाईट रेजेक्ट्री अप्रक्षेप गति में क्षतिज के साथ एक बड़ा कोण हाई ट्रेजेक्ट्री पैदा करता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स फॉर वाट इज मोस स्केल्स यूज तो ये है टू मेजर हार्डनेस ऑफ मिनरल्स मोज पैमाने का प्रयोग हार्डनेस ऑफ मिनरल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन डैश ऑफ ए वेव इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव तो यह है इंटेंसिटी किसी लहर की इंटेंसिटी उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट मोशन ऑफ ए ट्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ट्रेन की गति एक ट्रांसलेटरी मोशन का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन डैश रेफर्स टू द सुपरपोजिंग ऑफ टू और मोर कोहरेंट वेव्स टू प्रोड्यूस रीजन्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन स्पेस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये डिफिनेशन किसका है ये डिफिनेशन है इंटरफेरेंस का सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार इंटरफेरेंस का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण तो का मान जीरो होता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का फिजिक्स का पार्ट वन जिसमें हम लोगों ने सेवेंटी क्वेश्चन को कवर किया है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग 90 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो फिजिक्स का पार्ट टू होगा और वो एस एस सी सी में पूछा गया था अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें